हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिंग स्टार्ट पे। मैं हूँ आर के सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा था फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट। सो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किए थे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल के बारे में, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किए थे हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है इसको हम लोग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, एंड वहीं पे जो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होता है इसको हम लोग नेट कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, एंड अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो फिर डेफिनेटली देख लीजिएगा। पहले तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, प्रीवियस कंसेप्ट को समझ लीजिए, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे तो आप लोगों को चीज़ें जो है आसानी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के साथ साथ आप लोग चले जाएंगे डायरेक्ट प्लेलिस्ट में, एंड प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से बॉम्ब कैलोरीमीटर के सहारे हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे क्या किस तरह से सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकाला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर के सहारे। ओके, तो यहाँ पे एक डिवाइस का नाम आ गया है, दैट इज़ बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, तो ये जो डिवाइस है दोस्तों, इसके सहारे हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। ठीक है, तो इस डिवाइस के सहारे हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये पूछेंगे कि सर, गैसियस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, गैसियस फ्यूल भी तो होता है, ठीक है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अलग सा एक्सपेरिमेंट है, अलग सा डिवाइस है। ठीक है, फॉर योर नॉलेज मैं आप लोग बता देता हूँ, वो होता है बॉयज़ कैलोरीमीटर। ठीक है, बॉयज़ कैलोरीमीटर। तो इस डिवाइस के सहारे हम लोग निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, या फिर और भी प्रोसेस होता है। ओके, ठीक है, तो ये जो बॉयज़ कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब गैसियस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का जो ये एक्सपेरिमेंट है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ ये वाला एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है, तो इसको अच्छी तरह से समझना होगा, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि सिलेबस में जो चीज़ें होते हैं वही तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एंड एक्स्ट्रा सीखेंगे तो फिर टाइम भी हमारा यहाँ पे लॉस होगा, एंड हमारा जो प्रोसेस है सीखने का वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बिल्कुल सिलेबस को फॉलो करते हुए चलेंगे ताकि हमें अच्छी से अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। प्रिंसिपल बोले तो किस नीति पे ये काम करता है, कौन से ऐसा नीति है जिसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो देखो, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हीट रिलीज्ड बाई फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाई वाटर एंड कैलोरीमीटर। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा, सिर्फ आप लोग ये लिख के रखिए, हीट रिलीज्ड बाय फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द वाटर एंड कैलोरीमीटर। तो देखो, ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है दोस्तों, ये एक आपका क्लोज्ड इक्विपमेंट है, या फिर क्लोज डिवाइस है, जो कि इंसुलेटेड होता है, हीट इंसुलेटेड होता है, मतलब बाहर से कोई हीट अंदर नहीं जा सकता, या फिर अंदर से कोई हीट बाहर नहीं जा सकता। तो इस डिवाइस के अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो वो हीट अंदर ही रह जाएगा, एंड अंदर हम लोग कैलोरीमीटर लगाते हैं, कैलोरीमीटर में पानी रहता है, तो ये जो पानी एंड कैलोरीमीटर है ये उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितना हीट फ्यूल के जलने से निकलेगा वो उतना हीट हमारा वाटर एंड कैलोरीमीटर मिलके उसको गेन कर लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको सोख लेगा। ठीक है ना, तो जितना हीट फ्यूल छोड़ेगा उतना हीट वाटर एंड कैलोरीमीटर मिलके
लेगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल। अभी मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर किस तरह का है, ओके, एंड उसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देन उसके बाद मैं आपको पूरा वर्किंग प्रोसेस जो है, ठीक है, वो बताने वाला हूँ। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा ही टाइम आपको देना है इस क्लास में, थोड़ा सा फोकस के साथ दीजिए, तो आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है फिर से पढ़ना नहीं होगा, एक ही बार में आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम जब भी आप लोग क्लास में देते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने में देते हैं, तो पूरी फोकस के साथ दीजिएगा करें। देखो अगर आप लोग अगर आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के साथ देखते हैं क्लासेस, मतलब आप लोग का फोकस अभी नहीं है, लेकिन आप लोग एक घंटे का क्लास देख लिए हैं, ठीक है, एक घंटे का क्लास देख लिए हैं, ओके, यहाँ से आप लोग जो सीखेंगे वो 20% रिमेन करेगा, सिर्फ 20 से 30% ही आप लोग याद रख पाएंगे। एंड वहीं पे अगर आप लोग फुल फोकस के साथ एक घंटे का क्लास देखते हैं, तो यहाँ से चांसेस है 60 से 80% तक आप लोग याद रख पाएंगे। तो इसीलिए जब भी पढ़ाई कीजिएगा पूरी फोकस के साथ कीजिएगा, चाहे वो आधा घंटा हो चाहे वो एक घंटा हो। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पूरा दिन पढ़िए, ऐसा नहीं, ठीक है। जितना पढ़िएगा फोकस के साथ पढ़िएगा। आधा घंटा पढ़ना है तो आधा घंटा जो है फुल फोकस के साथ पढ़िए, तो आधा घंटा में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा। अदरवाइज़ फोकस नहीं है तो पढ़ना ही मत, जब फोकस होगा तब पढ़िएगा, ठीक है। तो फोकस जो है वो सुबह के टाइम पे ज़्यादा होता है, एंड जब आप लोग चारों ओर शोर शराबा नहीं होता है, बिल्कुल शांत है माहौल, तो उस टाइम पे पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, ओके, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मान के चलिए, जब भी पढ़िए पूरा फोकस के साथ पढ़िए। जैसे कि इस क्लास को देख रहे हैं, तो अगर आपके आजू बाजू कोई शोर शराबा हो रहा है तो क्लास को अभी ऑफ कर दीजिए। जब आप लोग फ्री हो जाएंगे, मतलब माहौल जब शांत हो जाएगा, आप लोगों का फोकस आएगा, तब इस क्लास को देखेगा, तो एक ही बार में आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताने वाला था, आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन दिखाने वाला था, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एक बड़ा सा कंटेनर होता है, एंड ये जो कंटेनर होता है दोस्तों, ये इंसुलेटेड कंटेनर होता है। इंसुलेटेड का मतलब मैं आप लोगों को अभी समझा चुका हूँ। इंसुलेटेड मतलब क्या है कि हीट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा बाहर से, ना ही कोई हीट अंदर जाएगा, ना ही कोई हीट अंदर से बाहर जा सकता है। तो दिस इज़ द इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है। ये सिलेंडर जैसा होता है, ठीक है, सिलेंडर टाइप का कंटेनर होता है, ओके। चलो ये मैंने कर लिया अभी कंटेनर। अब इस कंटेनर में क्या किया जाता है कि नीचे आपका एक स्टैंड बनाया जाता है, वो भी इंसुलेटेड मटेरियल का, ठीक है। अब इंसुलेटेड मटेरियल हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हीट का माजरा है, तो हीट तो अगर मटेरियल यूज़ करेंगे, कोई मेटल यूज़ करेंगे, तो फिर हीट तो उसके थ्रू फ्लो हो सकता है, ओके। तो हम लोग इसलिए इंसुलेटेड मटेरियल लेते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग रखते हैं क्या, एक कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर क्या होता है, बेसिकली एक कंटेनर होता है मेटल का, ठीक है, जैसे कि कॉपर का हो सकता है, ये आपका कैलोरीमीटर हो गया। कैलोरीमीटर कैसा होता है, कुछ इस तरह का ये कंटेनर हमारा हो गया, ओके, ठीक है। एंड इसके अंदर भी हम लोग इंसुलेटेड मटेरियल रखते हैं, ऐसे यहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल रख लिया हम लोगों ने, यहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल इसके अंदर, ठीक है। एंड इस ये जो सपोर्ट हम लोगों ने दिए हैं, इसके ऊपर रखते हैं हम लोग क्या, बॉम्ब पॉट, ठीक है। दिस इज़ द बॉम्ब पॉट। अब ये पूरा मेटल का होता है, ठीक है, एंड ये बिल्कुल क्लोज होता है, ठीक है, बिल्कुल ये क्लोज होता है, एयर टाइट होता है, ठीक है, इसके अंदर पानी नहीं घुस सकता, ठीक है। तो चलो, तो इसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा पॉट रखा जाता है। ये पॉट क्यों रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल को रखना है, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने किसको रखना है, जो फ्यूल का हम लोग सैंपल लेंगे, ईंधन का जो सैंपल लेंगे, चाहे वो कोयला हो लकड़ी हो, उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। एंड इसको भी सपोर्ट देके रखा जाता है, इसको भी ऐसे एक सपोर्ट देके रखा जाता है, ठीक है, ओके। एंड अगर इस फ्यूल में नाइट्रोजन या फिर सल्फ़र का प्रेजेंस है, मतलब इस फ्यूल में अगर नाइट्रोजन है या फिर सल्फ़र है, तो फिर हम लोग फॉर सेफ्टी पर्पज़ हम लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका क्या डालते हैं,
इस वॉर्म पॉट में हम लोग थोड़ा सा क्या डाल देते हैं बोलो, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, ओके, ठीक है। चलो ये तो हो गया, अब ये पूरा हमारा एयर टाइट है, ओके, इसके अंदर ना पानी घुस सकता है ना बाहर जा सकता है हवा, तो इसको हम लोग आग कैसे लगाएंगे, ये जो फ्यूल हम लोगों ने रखा है ना अंदर, इसको आग कैसे लगाएंगे, तो इसका भी एक सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। जो सिस्टम है वो आपका इलेक्ट्रोड का सिस्टम होता है, ये मैंने दिया एक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है दोस्तों, मेटल का एक डंडा होता है, ठीक है, धातु का एक डंडा होता है, ओके, एंड यहाँ पे इसको ऐसे पूरा किया जाता है, इसको इंसुलेटेड, ठीक है, एंड यहाँ से दो तार निकलता है, ऐसे दो वायर निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड को हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करना होता है, ओके, तो चलो। एंड ये दो इलेक्ट्रोड में हम लोग लगाते हैं क्या, ये दो इलेक्ट्रोड में हम लोग लगाते हैं मैग्नीशियम का वायर या फिर नाइक्रोम भी हो सकता है, ठीक है, मैग्नीशियम का वायर। तो देखो इसमें जब हम लोग करंट देंगे तो क्या होगा, ये नाइक्रोम वायर के ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो मैग्नीशियम वायर लगाए हैं वो आपका हीट होगा, गर्म हो जाएगा एंड वो जलने लगेगा। तो ये तो आपका सॉलिड फ्यूल के साथ कनेक्टेड होता है, तो अगर ये वाला वायर जलेगा तो फिर फ्यूल भी हमारा जलेगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जलाते हैं इसको, ओके। एंड देखो इस बॉक्स के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, आग लगाने के लिए क्या नेसेसरी होता है, जलने के लिए क्या नेसेसरी होता है दोस्तों, ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसके अंदर हमें ऑक्सीजन का सप्लाई भी देना होगा, एंड ऑक्सीजन का सप्लाई हम लोग एक पाइप के थ्रू ऐसे देते हैं, ठीक है, ये एक अलग सा प्रोसेस, ये अलग सा एक सेटिंग होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग इसके अंदर क्या ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, ओके। यहाँ पे ऐसे बल्ब लगा होता है, यहाँ पे ऐसे बल्ब लगा होता है, एंड इसको हम लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर से जोड़ देते हैं, ओके, तो ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पे इसको देंगे, सप्लाई देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अभी ये सारे सेटअप हमारा हो गया, एंड एंड उसके बाद कैलोरीमीटर में हम लोग भरेंगे पानी, कैलोरीमीटर में हम लोग भरेंगे पानी। जनरली जो स्टैंडर्ड डिवाइस होता है, ठीक है, उसमें 2 लीटर पानी लगता है, 2 लीटर पानी देने से ये पूरा हमारा जो कैलोरीमीटर है वो भर जाता है, ठीक है, वो कैलोरीमीटर जो है भर जाता है, ओके, तो पानी चारों ओर जाएगा ऐसे, पानी चारों ओर जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमें हीट को या फिर टेम्परेचर को मेजर करना है, या यहाँ पे हमें टेम्परेचर को मेजर करना है, क्योंकि हीट का माजरा है, ये जलेगा गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कमेगा घटेगा, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, उसके लिए हम लोग देते हैं क्या, एक थर्मोमीटर, ठीक है। चलो थर्मोमीटर को मैं यहाँ पे आपका इस पानी में थर्मोमीटर को ऐसे डुबोया जाता है ताकि पानी का जो टेम्परेचर है एंड कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो आपका क्या करे, ये मेजर कर सके, दैट इज़ द थर्मोमीटर, ठीक है, दैट इज़ द थर्मोमीटर, ओके। एंड पानी को हिलाने के लिए यहाँ पे इधर स्टायरर लगा जाता है, स्टायरर बोले तो इसको हिलाने के लिए स्टायरर लगाया जाता है, तो इधर मैं स्टायरर लगा देता हूँ, ओके, चलो ये मैंने लगाया स्टायरर, एंड यहाँ पे नीचे एक ब्लेड जैसा ऐसा रहता है जो कि थोड़ा सा घूमेगा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूव करा सकता है, मतलब पानी को ये थोड़ा सा इधर उधर कराएगा ताकि पानी जो है पानी में हीट बराबर आ जाए, पानी को थोड़ा सा हिलाना होता है, ठीक है, तो ये काम करता है ये वाला डिवाइस, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें लगा दी हैं, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसका ढक्कन लगा देना है, इसको पूरी तरह से एयर टाइट कर देना है, इसको पूरी तरह से एयर टाइट करा देना है, ओके, ये हमारा एयर टाइट हो गया, ये हम लोगों ने इसमें ढक्कन लगा दिए हैं, ठीक है। तो देखो अब ये पूरा सेटअप हमारा जो है वो एयर टाइट हो चुका है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये आपका चारों ओर से, इससे हम लोग इसको बंद करके रखे हैं, बोलो इसको हम लोगों ने बंद करके रखे हैं इंसुलेटेड मटेरियल से, एंड यहाँ पे एयर गैप भी है, ठीक है, एयर गैप भी है, तो फिर ये जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये जलने से जो हीट प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ पानी में जाएगा, पानी से कैलोरीमीटर में जाएगा, एंड इसके बाहर नहीं जा सकता है,
एंड बाहर से कोई भी हीट अंदर नहीं आ सकता है, तो हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ये तो हमारा डायग्राम था। अगर आप लोगों को बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो इमेज देखना है, ठीक है, तो आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा बॉम्ब कैलोरीमीटर बोल के, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एंड कौन सा पार्ट क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये होगा आपका इंसुलेटेड जैकेट, मतलब इंसुलेटेड कंटेनर। ठीक है, एंड ये होता है एयर गैप, यहाँ पे एयर गैप। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इंसुलेटेड सपोर्ट्स, इंसुलेटेड सपोर्ट्स। ठीक है, ये सभी सपोर्ट्स है, एंड दिस इज़ द कैलोरीमीटर, दिस इज़ द कैलोरीमीटर। ओके, कैलोरीमीटर, दिस इज स्टायरर। ओके, सिर्फ पानी को मूवमेंट देने के लिए हमारा यूज़ होता है, एंड दैट इज़ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, अदर हम लोग बैकमैन्स थर्मोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैकमैन्स थर्मोमीटर जो कि यूज़ किया जाता है जनरली। देन उसके बाद ये तो पानी हो गया, आप लोग समझ चुके हैं, एंड दिस आर द इलेक्ट्रोड्स। एंड ये जो वायर है दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग इग्निशन कॉयल, इग्निशन कॉयल, जिसके थ्रू हम लोग आग लगाते हैं, एंड दैट इज़ द फ्यूल, फ्यूल सैंपल। ठीक है, एंड ये जो पॉट हम लोगों ने लिए है, दैट इज़ क्रूसिबल, जिसमें हम लोग क्या रखेंगे, फ्यूल को रखेंगे, छोटा सा पॉट होगा। ओके, उसको हम लोग कहते हैं क्रूसिबल। और कुछ चीज़ें हैं जो छूट गया है। ओके, दिस इज़ द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन के बिना तो आग नहीं लगेगा, तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई तो ज़रूर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग, दिस इज़ द इनपुट वोल्टेज, इग्निशन, इग्निशन इनपुट। ठीक है, ये दो जो टर्मिनल हमें मिला है, इसमें हम लोग इग्निशन इनपुट करेंगे। ठीक है, तो दिस आर द ऑल थिंग्स, एंड ये वाला मैंने बताया नहीं आप लोगों को, दिस इज़ द बॉम्ब पॉट, इसको हम लोग बॉम्ब पॉट कहते हैं। एंड ये जो बॉम्ब पॉट होता है दोस्तों, ये आपका मेटल का ही बना होता है, जनरली आपका कॉपर का बना होता है, कैलोरीमीटर भी कॉपर का बना होता है। ओके, तो दिस आर द ऑल पार्ट। ठीक है, जितना आपको जानना है बस इतना ही है, इतना ही काफ़ी है। चलो अब हम लोग वर्किंग प्रोसेस में चले जाते हैं, किस तरह से हम लोग जो एक्सपेरिमेंट है करते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले हमें सैंपल रेडी करना होता है। सैंपल को कैसे बनाते हैं हम लोग, सैंपल को जो भी सैंपल लेंगे हम लोग, मान लेते हैं हम लोगों ने कोयला लिए हैं। ठीक है, एक तरह का कोयला लिए हैं, कोयला का हम लोग क्या निकालेंगे, कोल का हम लोग निकालेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे पहले जो टुकड़ा होगा कोल का, उसको हमें क्रॉस करना है, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस बोले तो उसको पीसना है, उसको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ के हम लोग पाउडर जैसा बना देंगे। पाउडर बनाने के बाद जो पाउडर हमें मिलेगा, उसको हम लोग एक पॉट होता है, ठीक है, सैंपल रेडी करने का, तो वो पॉट क्या होता है, ऐसा एक मेटल का पॉट होता है जिसमें हम लोग ये पाउडर को डालेंगे। ठीक है, एंड ये पाउडर को डालने के बाद इसको हाइड्रोलिक प्रेस से, या फिर प्रेस करने का मैनुअल तरीका भी होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे, तो ये जो पाउडर प्रेस होगा, तो ये आपका कैसा बन जाएगा दोस्तों, एक टैबलेट जैसा बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ टैबलेट जैसा बन जाएगा, सैंपल जो है वो टैबलेट जैसा बन जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ओके, इस पॉट में रखेंगे, देन उसके बाद इलेक्ट्रोड रहेगा, इलेक्ट्रोड में हम लोग नाइक्रोम वायर या फिर मैग्नीशियम वायर को हम लोग जोड़ देंगे, एंड उसको हम लोग इसके साथ टच कराएंगे। ठीक है, इसके अंदर ले जाएंगे। ओके, क्योंकि ये अगर जलेगा, इग्निशन कॉयल अगर जलेगा, तो फिर फ्यूल भी जलना चाहिए, तो टच होना चाहिए ना, तो वो टच रहेगा। ठीक है, ओके, चलो ये हम लोगों ने रख दिया। देन उसके बाद ये पूरा सिस्टम को हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई दे देंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग फिल करा देंगे पूरा, एंड इस बल्ब को हम लोग बंद कर देंगे, मतलब ऑक्सीजन घुसा के हम लोग बल्ब को बंद करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे डिस्टिल वाटर डाल देंगे थोड़ा सा इसमें, क्यों डालेंगे, मैंने क्या कहा, सेफ्टी पर्पस। अगर फ्यूल में नाइट्रोजन या फिर सल्फर है, तो फिर वो जलने से क्या होगा, वो आपका नाइट्रोजन के कुछ गैसेस बन जाएगा, सल्फर के कुछ गैसेस बन जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हम लोग इसको खोलते हैं, ठीक है, ये सैंपल का जो हमें एसेस मिलेगा, जो छाई मिलेगा, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम लोग जब इसको खोलेंगे,
तो वो गैस अचानक से बाहर आ सकता है एंड हमारे अंदर जा सकता है, मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं ना, ठीक है, उसके थ्रू अंदर जा सकता है एंड हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ का इशू हो सकता है। तो इसको इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्टिल वाटर डालते हैं। अब ये डिस्टिल वाटर क्या करता है, जो नाइट्रोजन गैस या फिर जो सल्फर गैस आपका होता है प्रोड्यूस, ठीक है, वो इसको डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है, मतलब पानी में वो मिल जाता है, तो गैस निकलने के चांसेस नहीं है, तो इसको हम लोग इजीली खोल सकते हैं, तो हमें हेल्थ इशू नहीं आएगा, ठीक है। ओके चलो, तो ये हम लोगों ने पूरा बॉम पॉट को रेडी कर दिए हैं। अभी बात आता है कि इसको हमें कैलोरीमीटर के अंदर इसको डालना है एंड कैलोरीमीटर में हमें वाटर भर देना है। देन उसके बाद हम लोग थर्मामीटर को सेट करेंगे, इधर पानी में डुबो के रखेंगे एंड इधर इधर जो ये स्टायरर है इसको भी हम लोग पानी में ऐसे रखेंगे। ओके ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा कैलोरीमीटर को सेट कर दिया। अभी सेट करने के बाद इसका जो दो तार जाएगा ये ऊपर चला जाएगा इधर से। ओके एंड इसको हम लोग पूरा क्लोज कर देंगे। ये हो गया। अभी क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले तो इस वाटर का टेम्परेचर देखना है कि हम लोगों ने जो पानी डाले हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर अभी कितना है। प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें टेम्परेचर माप लेना होगा, टेम्परेचर कितना है। तो उसका एक कंस्टेंट टेम्परेचर आएगा जब हम लोग मापेंगे, ठीक है, तो हमें जो कंस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा बस उसके साथ हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा प्रोसेस, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका जो टेम्परेचर है पानी का वो अभी क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ओके तो हमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। तो पहले इनिशियली ये आपका हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस में है, तो थोड़ी देर बाद ये कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है इसमें सेट कराने के बाद। तो हमें एटलीस्ट 5 मिनट वेट करना चाहिए कि टेम्परेचर ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं। तो अगर ये टेम्परेचर कंस्टेंट में आ गया, मतलब ये अभी कंस्टेंट टेम्परेचर में आ गया, तो हम लोग अपना प्रोसेस जो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पानी का टेम्परेचर अगर फ्लैक्चुएट करेगा तो हमारा रीडिंग अच्छा नहीं आएगा ना, तो हम लोग उसको कंस्टेंट होने तक थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इस इनपुट के सारे हम लोग बैटरी को कनेक्ट करेंगे, प्लस माइनस हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से करंट जाएगा इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड से यहाँ पे इग्नाइशन कॉइल में, इग्नाइशन कॉइल में करंट जाएगा एंड इग्नाइशन कॉइल में करंट जाने से क्या होगा कि वो गर्म होने लगेगा धीरे धीरे, एंड वो फ्यूल के साथ जुड़ा हुआ है तो फ्यूल भी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। एंड एक इग्नाइशन टेम्परेचर के बाद, इग्नाइशन टेम्परेचर के बाद फ्यूल जो है हमारा जलने लगेगा, ठीक है। तो पूरा फ्यूल अगर जल गया तो ये जो हीट प्रोड्यूस होगा इसके जलने से वो इस कंटेनर में पहले रहेगा, देन उसके बाद इस कंटेनर से वाटर में जाएगा, ठीक है, एंड वाटर गर्म होने लगेगा। तो वाटर को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर को थोड़ा सा स्टारर से हम लोग मूव कराएंगे, मतलब स्टार को घुमाएंगे, तो वाटर भी मूव करने लगेगा एंड जो हीट रिलीज हुआ है यहाँ से फ्यूल से वो वाटर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरी तरह से वो वाटर सोख लेगा। एंड वाटर के साथ कैलोरीमीटर भी जुड़ा है तो कैलोरीमीटर भी उस हीट को ले लेगा, ठीक है। तभी हमें क्या लेना है, तभी हमें इसका रीडिंग लेना है कि हीट अब कितना हुआ है, पूरा पूरा जो ये फ्यूल है पूरा जल गया है, ठीक है, अब हीट कितना हुआ है, मैक्सिमम हीट कितना आया है, टेम्परेचर का बदलाव कितना हुआ है वो हमें देखना है। तो मान लेते हैं टेम्परेचर का बदलाव क्या हुआ है, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पहले 30 था, अब फ्यूल जलने के बाद पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है क्योंकि हीट निकला है, हीट को एब्जॉर्ब किया है पानी, तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो हो गया है 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमें दो रीडिंग लेना है बस, ठीक है, टेम्परेचर का रीडिंग लेना है। हो गया हमारा पूरा पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसे हम लोग करते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रीडिंग को हम लोग काम पे कैसे लगाते हैं वो देख लो अभी, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया इस पूरे प्रोसेस में, हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके तो लिखो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों ने कितना फ्यूल लिए हैं, कितने मास का या फिर कितने वेट का फ्यूल हम लोगों ने लिए हैं। सो हम लोगों को फ्यूल अभी देख लेना है। लेट लेट वेट ऑफ द फ्यूल, लेट वेट ऑफ द फ्यूल टेकन इन क्रूसिबल, ठीक है, क्रूसिबल में हम लोगों ने कितना फ्यूल लिए हैं, दैट इज़ एक्स वन, सॉरी एक्स ओनली एक्स ग्राम, ठीक है, एक्स ग्राम हम लोगों ने लिए हैं। हम
हमें नहीं पता, ठीक है। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप लोग 1 ग्राम भी ले सकते हैं, 2 ग्राम भी ले सकते हैं, कितना लिए हैं वो डिपेंड करता है जो एग्जामिन करेगा, ठीक है। तो सपोज उसको हम लोगों ने 1 ग्राम मान लिए हैं कि हम लोगों ने कितना फ्यूल लिए हैं 1 ग्राम, ओके, ठीक है ना। अभी एक्स का वैल्यू हमें नहीं पता, वो जब एग्ज़ाम जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तब कितना हमारा मूड जाएगा, 2 ग्राम भी ले सकते हैं, 2.5 ग्राम भी ले सकते हैं, या फिर 1 ग्राम से कम भी हम लोग ले सकते हैं, तो तब डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू हमें पता होगा जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, ओके। देन क्या होगा, देन क्या हम लोग वाटर का वेट लेंगे, वेट ऑफ द वाटर, ऑफ द वाटर इन कैलोरी मीटर, ठीक है। वेट ऑफ द वाटर हम लोग देखेंगे, तो ये होगा डब्ल्यू ग्राम, ठीक है। कितना पानी हम लोगों ने कैलोरी मीटर में लिए हैं, ये जो पानी हम लोगों ने ढाले हैं ना इसमें, तो वो कितना है, तो हम लोग वो देखेंगे डब्ल्यू ग्राम, ठीक है। एंड जो कैलोरीमीटर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो भी हम लोगों को पता होगा, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर ऑफ द कैलोरीमीटर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर, ओके, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर सेट, कैलोरीमीटर सेट मान लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो कैलोरीमीटर के साथ क्या क्या आ रहा है, एक तो स्टारर आ रहा है एंड एक थर्मोमीटर का इधर आ रहा है, ठीक है, ओके, एंड इलेक्ट्रोड्स भी है, एंड क्या है आपका जो बॉम्ब है वो भी है, ओके। तो कैलोरीमीटर सेट का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो हम लोग मान लिए हैं, दैट इज स्मॉल डब्ल्यू ग्राम, ठीक है। चलो ये वाला डब्ल्यू को मैं कैपिटल बनाता हूँ, कैपिटल एंड दिस इज़ अ स्मॉल डब्ल्यू। अब ये वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है इसको भी समझना होगा, व्हाट इज़ द वाटर इक्विवेलेंट। बेसिकली ये आपको पता होगा जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपका जो कैलोरीमीटर यूज़ करेंगे उसका वाटर इक्विवेलेंट आपको पता होगा, ओके। वाटर इक्विवेलेंट क्या है कि 1 ग्राम वाटर को गर्म करने के लिए जितना हीट चाहिए उतना हीट कैलोरीमीटर को कितना गर्म कर रहा है, दैट इज़ द वाटर इक्विवेलेंट, ओके, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट हमें पता है, 3 चीज़ें हमें पता लग गया है। अब हम लोगों ने देखा है इनिशियल टेम्परेचर को हम लोगों ने मापा था एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले, टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, एंड फाइनल टेम्परेचर जो कि बाद में हुआ वो क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और टेम्परेचर वो है T2 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये हम लोगों ने मेजरमेंट करा है, ठीक है, फाइनल एंड इनिशियल, ओके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगा जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें मिलेगा। अब चले आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन में हमें प्रिंसिपल पता है। प्रिंसिपल क्या था आपका, प्रिंसिपल क्या था बोलो, कैलकुलेशन में हम लोगों को प्रिंसिपल देखना है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है जो जितना हीट फ्यूल से निकलेगा उतना ही हीट वाटर एंड कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा, गेन कर लेगा, ठीक है। जितना हीट फ्यूल के जलने से निकलेगा सारा के सारा हीट कौन ले लेगा, वाटर एंड कैलोरीमीटर, ओके। सो हीट गेन बाय वाटर कितना हीट गेन करेगा, वाटर का जो वेट है एंड टेम्परेचर, ठीक है, कितना बदलाव हुआ है, दिस इज T1, ओके, तो इतना हीट जो है वो लेगा, एंड हीट का यूनिट क्या होता है दोस्तों, कैलोरी, ठीक है, ये वाटर लेगा। एंड अभी अगर कैलोरीमीटर की बात करें, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर तो वो क्या होगा, उसका वाटर इक्विवेलेंट स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, उसका वाटर इक्विवेलेंट स्मॉल डब्ल्यू T2 - T1 कैलोरी, ठीक है, ओके। एंड हीट प्रोड्यूस्ड या फिर हीट रिलीज्ड बाय फ्यूल, तो कितना हीट रिलीज्ड होगा दोस्तों, कितना हीट रिलीज होगा बोलो, इतना हीट रिलीज होगा X into कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। फ्यूल का जितना कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो वेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिए हैं X इंटू
इसका कैलोरीफिक वैल्यू मान लिया हम लोग एल, ठीक है, तो एक्स इंटू एल, दिस इज द हीट रिलीज्ड, इतना हीट रिलीज हुआ है। अब इस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही हीट जेनरेट होगा, उतना ही हीट निकलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कैलोरीफिक वैल्यू को मान लिया है एल, तो एल को हम लोग एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हीट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल हम लोग अभी क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को इक्वल कर देंगे, कितना हीट निकला है एंड कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। चलो तो इतना तो आप लोगों ने लिख लिए हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। तो हम लोग लिख सकते हैं हीट रिलीज्ड, रिलीज इज इक्वल टू हीट गेन्ड, हीट गेन्ड, ठीक है। ये था प्रिंसिपल, हीट रिलीज कितना हुआ है x इंटू एल, एंड हीट गेन कितना हुआ है, पहले तो वाटर से कितना गेन हुआ है देखो, T2 - T1, ठीक है, एंड उसके साथ साथ ये कैलोरीमीटर भी लिया है T2 - T1, ठीक है। तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग T2 - T1, तो ये बन जाएगा आपका W प्लस W T2 - T1, सो दिस इज़ द एक्सेल, एंड यहाँ से हम लोग निकालेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा क्या, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, ओके। तो दिस इज द कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर कैलोरी पर ग्राम, अगर हम लोग वेट को ग्राम पे ले रहे हैं तो, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा क्या बोलो, ये हो जाएगा हमारा फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। थ्योरेटिकली हमें कौन सा फॉर्मूला मिला है, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन 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 ये फॉर्मूला प्रॉपरली सही नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका प्रॉपरली एकदम एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा इसका करेक्शन चाहिए हमें। कौन सा करेक्शन चाहिए बोलो, कौन सा करेक्शन चाहिए, कौन सा करेक्शन चाहिए हमें, हमें चाहिए, देखो हमें सबसे पहले तो करेक्शन जो है वो आपका है फ्यूज़ वायर करेक्शन, ठीक है। अभी इसका हम लोग करेक्शन देखेंगे, फ्यूज़ वायर करेक्शन, ठीक है। तो ये जो निकला, ये निकला हमारा हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ओके, एंड ये आपका एक्यूरेट नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो वो क्या क्या करेक्शन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग एल सी भी निकाल लेते हैं, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई भी यहाँ पे कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो था आपका HCV माइनस यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू क्या रहेगा आपका 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा इनटू क्या होगा आपका होता है लेटेंट हीट ऑफ वाटर, ठीक है। सो द फॉर्मूला बिकम्स कुछ ऐसा होगा, अगर फ्यूल में H%, इफ फ्यूल कंटेन H% ऑफ हाइड्रोजन, सो LCV का फॉर्मूला क्या होगा, LCV इज इक्वल टू होगा HCV माइनस 9/100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर LCV, LCV का फॉर्मूला को हम लोग और भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो HCV का फॉर्मूला ये है, एंड LCV का फॉर्मूला क्या होगा, LCV का फॉर्मूला में क्या मिलेगा, LCV मतलब लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको हम लोग नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कह सकते हैं NCV, दिस इज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 0.09 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम या फिर वाटर वेपर, ठीक है, ओके। तो दिस इज़ द फॉर्मूला, एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होता है दोस्तों, उसका वैल्यू क्या होता है बोलो, उसका वैल्यू होता है 580, ठीक है, 580 के आसपास रहता है, सो दिस विल बिकम लाइक जैसे कि 587 होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर LCV, ओके, ठीक है ना। चलो
तो ये तो था हमारा पूरा कैलकुलेशन कैसे कैसे करेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा कि इसमें थोड़ा सा इरोर है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा करेक्शन करना होता है। अब वो क्या क्या करेक्शन है वो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलो तो अभी आप लोग हेडिंग डालेंगे करेक्शन। तो करेक्शन में तीन तरह के करेक्शन होते हैं, तो तीनों करेक्शन को आपको कंसीडर करना है जब आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो ये तीनों करेक्शन को आप लोगों को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो जो एलसीवी या फिर जो एसीवी का वैल्यू निकलेगा वो सही होगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूला को आप लोग अप्लाई कर देंगे तो फिर गलत आंसर निकल जाएगा एंड आपको मार्क नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। ओके, सो यू हैव टू अप्लाई द करेक्शंस करेक्शंस करेक्शंस। पहला करेक्शन है फ्यूज़ वायर करेक्शन, फ्यूज़ वायर करेक्शन, फ्यूज़ वायर करेक्शन, ठीक है, फ्यूज़ वायर करेक्शन। तो ये फ्यूज़ वायर क्या होता है? फ्यूज़ वायर बोले तो ये इग्नाइशन कॉयल का करेक्शन होता है। इग्नाइशन कॉयल, देखो जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए थे वोल्टेज, करंट अप्लाई किए थे, तो ये इग्नाइशन कॉयल गर्म होने लगा था, तो ये भी गर्म हो रहा था, तो ये भी थोड़ा सा हीट तो रिलीज़ किया था ना, ये भी थोड़ा सा हीट तो दिया था, ओके, जिसकी वजह से ये फ्यूल में आग लगा। तो इसका जो हीट है इसका भी हीट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। इसका भी हीट जो है, इससे जो हीट निकला था इग्निशन कॉइल से, ठीक है, वो भी पानी में चला गया है, उसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो काहे का सही रिजल्ट आया बोलो? सही रिजल्ट तो नहीं आया ना, कि थोड़ा सा हम लोगों ने ज़्यादा कैलकुलेट कर लिए हैं, तो उसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो फ्यूज़ वायर करेक्शन जिसको हम लोग एफ से लिखेंगे, सो इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, इसको माइनस करना होगा। तो ये हम लोग इसको माइनस कर देंगे ऐसे, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका क्या? एसिड करेक्शन, एसिड रिएक्शन करेक्शन, ठीक है, एसिड रिएक्शन करेक्शन। अब ये एसिड रिएक्शन करेक्शन क्या है कि देखो मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि अगर फ्यूल में नाइट्रोजन है या फिर फ्यूल में अगर नाइट्रोजन है या फिर सल्फर है, तो फिर ये नाइट्रोजन या सल्फर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये बनाता है H2SO4 एंड एंड HNO3। ओके, जस्ट लाइक देखो अगर अगर फ्यूल में सल्फर है तो सल्फर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, फ्यूल में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, एंड ये ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाता है H2SO4, ठीक है, ये बनाता है H2SO4। एंड ये जो रिएक्शन होता है, ठीक है, ये रिएक्शन होता है आपका एक्सोथर्मिक, बोले तो इससे हीट निकलता है, ठीक है, ये अगर रिएक्शन होगा तो इससे हीट निकलेगा। तो इस हीट को भी हम लोगों ने क्या कर लिए हैं? कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर फ्यूल में सल्फर है तो फिर ये वाला रिएक्शन जरूर होगा वहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ से निकलेगा हीट, तो इस हीट को भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हमारा जो HCV का वैल्यू है वो सही नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको भी माइनस करेंगे, ठीक है, इसको भी माइनस करेंगे। अभी देख लो आप लोग, अगर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन तो हम लोगों ने सप्लाई किए हैं, तो ये जो रिएक्शन है इसमें भी क्या होता है आपका? ये बनता है, ठीक है, एंड इसके साथ ये हीट भी रिलीज करता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, अगर फ्यूल में सल्फर या फिर नाइट्रोजन है तो ये दोनों रिएक्शन होगा ही, एंड इसमें से भी थोड़ा थोड़ा करके हीट निकलेगा, जिस हीट को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो इसको भी हमें नेगेटिव करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस ऑल्सो बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, तो इसको हम लोग ए से लिखते हैं। तो इफ फ्यूज वायर कनेक्शन एंड दिस इज क्या? दिस इज क्या? ये होता है हमारा आपका एसिड रिएक्शन करेक्शन, ठीक है, सॉरी ये दो नंबर, ये तीन नंबर देख लो अभी, ये तीन नंबर करेक्शन क्या है दोस्तों? कूलिंग करेक्शन, ठीक है, ये होता है कूलिंग करेक्शन,
कूलिंग करेक्शन। अब कूलिंग करेक्शन क्या है, मैंने क्या कहा था कि ये जो हम लोगों ने वाटर डाले हैं, ये जो वाटर डाले हैं हम लोगों ने, ठीक है, अब वाटर डालने से हम लोगों ने वाटर को थोड़ा सा कूल होने के लिए टाइम दिए थे, ठीक है, थोड़ा सा कूलिंग होने के लिए टाइम दिए थे, ओके, ठीक है ना। तो उसके वजह से जो गलती आया है वो भी हम लोग उसको भी क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, कूलिंग करेक्शन को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि देखो कूल होने के लिए हम लोगों ने इसको दिए हैं, इस पानी को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम लोगों ने समय दिए थे, ओके, वो ठंडा हुआ था तो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा घट गया था, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा घट गया था। एंड इस टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब प्लस कर देंगे तो हमें सही रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज़ द कूलिंग करेक्शन, कूलिंग करेक्शन को हम लोग लेते हैं एडिटिव कूलिंग करेक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा एचसीवी क्या आ गया, एचसीवी आफ्टर आफ्टर करेक्शंस, तो एचसीवी पहले हमारा क्या था, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, ओके, यहाँ पे था टी टू माइनस टी वन, तो यहाँ पे हमें कूलिंग करेक्शन को ऐड करना है, कूलिंग करेक्शन, ठीक है, इसको ऐड करना है, इसको रखना है ब्रैकेट में, ठीक है। एंड माइनस यहाँ से क्या कर देना है हमें, एसिड रिएक्शन एंड फ्यूज़ रिएक्शन को, फ्यूज़ करेक्शन को माइनस कर देना है। नीचे क्या रहेगा, नीचे था एक्स, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ए सी वी, एंड एल सी वी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ए सी वी माइनस 0.09 इंटू आपका लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ओके, ठीक है। तो दिस इज़ द इक्वेशन, दिस इज़ द फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इससे हम लोग जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे, एंड इसका यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम, समझ में आया बात, ठीक है। चलो अब चले जाते हैं हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, क्योंकि अगर थ्योरी सीखने के बाद न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं एक छोटा सा दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक को मैं पूरा ब्रीफली आपको समझाऊंगा, बाकी को मैं पूरा फास्ट से कराऊंगा, एंड आप भी खुद से ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप लोगों ने सही में समझे हैं या फिर ऐसे ही सिर्फ क्लास देख लिए हैं, ठीक है। क्लास को अगर सही से समझे हैं तो फिर सही से आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो क्लास थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेंदी मैंने क्यों रखा, क्योंकि देखो अब थ्योरी सीखने के बाद अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी में नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में अगर करेंगे तो हमारा एक क्लास और एक्स्ट्रा लग गया, तो मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि आज हम लोग इसको सीखे हैं तो फिर इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आज ही सॉल्व कर लेते हैं, तो एकदम ये टॉपिक ही कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे में मैं डूलोंग्स फॉर्मूला कराऊंगा, किस तरह से गैसियस फ्यूल का भी हम लोग निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बॉयस कैलोरीमीटर नहीं है लेकिन डूलोंग्स फॉर्मूला है जिसके सारे हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी फ्यूल का, किसी भी फ्यूल का क्या कैलोरीफिक वैल्यू, चाहे वो गैसियस हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। सो नाउ आप लोगों को क्वेश्चन राइट करना है, क्वेश्चन मैं भी राइट कर देता हूँ। ऑन बर्निंग क्वेश्चन नंबर वन, ऑन बर्निंग ऑफ 0.72 ग्राम ऑफ अ सॉलिड फ्यूल इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। एक सॉलिड फ्यूल कितना ग्राम वजन का, 0.72 ग्राम्स का हम लोगों ने बॉम्ब कैलोरीमीटर को जलाए हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ 250 ग्राम्स, 250 ग्राम वाटर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27.3 डिग्री सेल्सियस टू 29.1 डिग्री सेल्सियस।
27.3 डिग्री सेल्सियस टू 29.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले क्या था, पहले क्या था 27.3 डिग्री सेल्सियस एंड बाद में क्या हुआ जलाने के बाद, वो हो गया 29.1 डिग्री सेल्सियस। इफ द वाटर इक्विवेलेंट इज, इफ द वाटर इक्विवेलेंट इज 150 ग्राम ऑफ द कैलोरीमीटर। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट किसका होगा, कैलोरीमीटर का होगा। ठीक है, वाटर का वेट भी दिया गया है एंड पूछा गया है कैलकुलेट द एसीबी ऑफ द फ्यूल, कैलकुलेट द एसीवी ऑफ द फ्यूल। ठीक है, ऑफ द फ्यूल। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस। ऑन बर्निंग ऑफ 0.72 ग्राम ऑफ अ सॉलिड फ्यूल इन अ बम कैलोरीमीटर, द टेम्परेचर ऑफ 250 ग्राम वाटर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27.3 डिग्री टू 29.1 डिग्री सेल्सियस। इफ द वाटर इक्विवेलेंट इज 150 ग्राम, कैलकुलेट द एसीवी ऑफ द फ्यूल। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला क्या पता है बोलो, हमें एसीवी का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये कौन सा डब्ल्यू क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, टी टू माइनस टी वन प्लस कूलिंग। ठीक है, कूलिंग करेक्शन। ओके, माइनस क्या था, फ्यूज वायर कनेक्शन प्लस एसिड। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप लोग मुझे ये पूछेंगे कि सर यहाँ पे ना ही एसिड रिएक्शन का कोई करेक्शन दिया गया है, ना ही कोई फ्यूज वायर का करेक्शन दिया गया है, ना ही कूलिंग करेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो बात बहुत ही सिंपल है, ये सभी का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कूलिंग करेक्शन नहीं दिया गया है तो यहाँ पे ये सारे वैल्यू होगा ज़ीरो। तो हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाई एक्स कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, दिस इज द एसीवी फॉर्मूला। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चीज़ दिया गया है, कितना वैल्यू है किसका। ठीक है, सो वी कैन राइट गिवन, गिवन में क्या है, वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, इसको कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू ये होता है 250 ग्राम यहाँ पे दिया गया है एंड वाटर इक्विवेलेंट इज 150 ग्राम। ठीक है, टी टू कितना है बोलो, 29.1 डिग्री सेल्सियस। टी वन कितना है बोलो, 27.3 डिग्री सेल्सियस। एंड एक और चीज़ दिया गया है एक्स, द अमाउंट ऑफ द सॉलिड फ्यूल दैट इज 0.72 ग्राम। ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, व्हाट विल गेट, डब्ल्यू मत बोले तो 250, फिर से 150 एनी होगा 29.1 माइनस 27.3 डिवाइडेड बाय 0.72 एंड द आंसर विल बी, एंड द आंसर विल बी कितना, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 250 150 कितना होगा, 400 हो जाएगा, 400 इंटू 29.1 माइनस 27.3 डिवाइडेड बाय 0.72 1000। ओके, दिस इज़ द 1000 कैलोरी पर ग्राम। सो द कैलोरी, सो द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस फ्यूल इज 1000 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो ये था बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ पे ये करेक्शन भी आएगा। ओके, सो जस्ट डू इट फर्स्ट, जल्दी जल्दी से इसको कर लो, क्योंकि अभी मैं एक लंबा सा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने वाला हूँ एंड ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको लिखने में 3-4 मिनट जाएगा, इसको करने में 5-6 मिनट जाएगा, मतलब हमारा जो क्लास है, क्लास का लेंथ 1 घंटे से ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके, अभी हो गया है 49, तो फिर और भी जाएगा, 1 घंटा कंप्लीट होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिए हैं एंड इस तरह के प्रॉब्लम आपको किताब में मिल जाएगा और भी, तो थोड़ा सा खुद से ट्राई कीजिएगा। मैंने कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिए हैं कौन सा क्या चीज़ है एंड अगर आप लोगों ने पूरा क्लास को अच्छी तरह से देखा होगा तो फिर कोई भी तकलीफ यहाँ से नहीं होने वाला है एंड इस कंसेप्ट को आगे आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, एक ही बार में आप लोगों को हो जाएगा अगर आप लोग पूरा फोकस के साथ देखा होगा, अगर नहीं देखा है फोकस के साथ
तो फिर क्या कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, शांत माहौल में चले जाइए एंड वहाँ पे क्लास को फिर से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, फिर से शुरू से देखिए, पूरा क्लास को देखिए। 1 घंटे में अगर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो 1 घंटा आप दे दीजिए क्लास में। ठीक है, 1 घंटा आप दे दीजिए क्लास में, क्योंकि घंटे का घंटे निकल जाता है मोबाइल पे यूट्यूब देखने में, शॉर्ट वीडियोस देखने में, को किस तरह से ना जाने बहुत तरह के वीडियोस आते हैं यूट्यूब में, तो वो देखते देखते ना पूरा टाइम निकल जाता है। 1 घंटा क्यों, 3-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। तो 1 घंटे में अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं, अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, कुछ मार्क्स आप लोगों को मिल जाता है, तो फिर 1 घंटा देने से क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा सोचिए एंड थोड़ा सा फोकस के साथ टाइम दीजिए। चलो, तो अभी क्या है, 2 नंबर प्रॉब्लम में मैं लिखाता हूँ अ सैम्पल ऑफ कोल अच्छा यहाँ पे अ सैम्पल ऑफ कोल कंटेनिंग अ सैम्पल ऑफ कोल कंटेनिंग 89% ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड 88 सॉरी एंड 8% ऑफ हाइड्रोजन एंड 3% एस। ठीक है, ओके, दिख रहा है आपको, एक सैम्पल है कोल का, मतलब कोयले का एक सैंपल दिया गया है जहाँ पे 89% कार्बन रहेगा एंड 8% हाइड्रोजन है उसमें एंड 3% एस है। ठीक है, एस बोले तो जो राख होते हैं, ठीक है, जलने के बाद जो राख होते हैं। व्हेन द कोल इज वाज टेस्टेड इन द लेबोरेटरी फॉर इट्स कैलोरीफिक वैल्यू द बॉम्ब कैलोरीमीटर द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेंड। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, व्हेन इट इज टेस्टेड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन, द फॉलोइंग फॉलोइंग डेटास आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो जब हम लोग इस कोल को बॉम्ब कैलोरीमीटर में टेस्ट किए थे तो हमें क्या क्या मिला था, क्या क्या डेटा मिला था, वेट ऑफ, अच्छे से लिखता हूँ, वेट ऑफ कोल बर्न्ड, ठीक है, कितना कोयल जला है, कोल बर्न्ड कितना कोल जला है बोलो, ये होगा 0.85 ग्राम, 0.85 ग्राम इतना कोल जला है। ठीक है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, वाटर कितना यूज़ किया गया था, ठीक है, वो है आपका 650 ग्राम, 650 ग्राम्स। ओके, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर 200 2500 ग्राम, 2500 ग्राम, ठीक है, एंड राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, डायरेक्ट बता दिया गया है 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना टेम्परेचर रेज हुआ है। ओके, कूलिंग करेक्शन, देखो यहाँ पे कूलिंग करेक्शन भी है, कूलिंग करेक्शन इज इक्वल टू है 0.03 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड फ्यूज वायर करेक्शन कितना है, 10 कैलोरी, ठीक है, 10 कैलोरी। ओके, एंड एसिड करेक्शन इज इक्वल टू था 50 कैलोरी। ठीक है, ओके, एंड एज्यूमिंग लेटेंट हीट ऑफ
हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या दिया गया है, एज 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 580 कैलोरी पर ग्राम दिया गया है, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द ग्रॉस नेट, कहा गया है कैलकुलेट कैलकुलेट द एन सी वी, बोले तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू एंड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो ये दोनों निकालने के लिए बोला गया है। पूरा क्वेश्चन आपको देखिए, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, क्वेश्चन लिखने में ही हमारा 3 से 4 मिनट जाएगा। अ सैंपल ऑफ कोल कंटेनिंग 89% ऑफ कार्बन, 8% ऑफ हाइड्रोजन एंड 3% एस। ओके, तो कोल सैंपल में क्या है, 89% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है एंड 3% राख है। ओके, इसको जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में टेस्ट किया गया था तो क्या क्या मिला हमें डेटा, कितना कोल बर्नड हुआ है इतना, ठीक है, वाटर का वेट कितना है इतना, ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर वो है 2500 ग्राम, ठीक है, रेज इन टेम्परेचर कितना हुआ है दिस, कूलिंग करेक्शन कितना हुआ है इतना है, फ्यूज वायर करेक्शन, एसिड वायर करेक्शन, सॉरी एसिड रिएक्शन करेक्शन, ये आपका दिया गया है 50, एंड जो लेटेंट हीट है स्टीम का वो है 580 कैलोरी पर ग्राम। तो हमें बताया गया है कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा एंड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा। सो डायरेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या हमें दिया गया है। सो फर्स्ट एक्स, एक्स का वैल्यू दिया गया है 0.85 ग्राम, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू दिया गया है आपका क्या 650 ग्राम, ठीक है, एंड स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू दिया गया है, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू क्या दिया गया है दोस्तों, दिस इज 2500 ग्राम, 2500 ग्राम, एंड T2 माइनस T1 कितना दिया गया है 2.5 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे कूलिंग करेक्शन जो है ये सारी चीज़ें तो दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग HCV निकालेंगे। सबसे पहले तो HCV निकालेंगे, HCV कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है बोलो, W प्लस स्मॉल W इजिकल टू इन टू T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन, ठीक है, माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, एसिड रिएक्शन प्लस फ्यूज करेक्शन एंड नीचे x। सो वैल्यू को फटाफट से लगा लीजिए। ओके, ये सभी वैल्यू आप लोगों को पता है, तो अभी देखने वाली बात क्या है कि हम लोगों को डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देना है। ये हो गया T2 माइनस T1 का वैल्यू है 2.5 प्लस क्या होगा, कूलिंग करेक्शन, कूलिंग करेक्शन कितना है 0.03, ठीक है, माइनस ये है 10, ये है 50, ठीक है, एंड नीचे होगा 0.85। इसको कैलकुलेट करने से क्या मिलता है बोलो, इसको कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा, इसको कैलकुलेट करो फटाफट से, कैलकुलेट करो तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। देखो 650 प्लस 2500 ऐड करते हैं तो 3150 होता है, 3150 इंटू 2.5 इंटू सॉरी 2.5 प्लस 0.03 ये होता है इंटू 2.53, एंड ये जो मल्टीप्लाई होगा ये माइनस होगा 60, हम लोग इधर करेंगे 0.85 नीचे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 3150 के साथ, ये मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 7969.5 माइनस 60 एंड माइनस माइनस कर देंगे इसको 60 से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बोलो, हमें क्या मिलेगा 7909.5 डिवाइडेड बाय 0.85 एंड इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 9305.294 कैलोरी पर ग्राम। सो दिस इज़ द HCV, HCV बोले तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अभी अगर हम लोग LCV निकालेंगे, LCV या फिर NCV, जैसे कि एग्जाम जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है NCV निकालने के लिए, तो GCV माइनस GCV माइनस 0. क्या है 0.0, फॉर्मूला क्या था LCV का बोलो, 0.09, ठीक है 0.09, एंड
एच साहब का परसेंटेज, अच्छा 0.08 होगा यहाँ पे, 0.08 इंटू 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 होगा आपका लेटेंट हीट, दैट इज 580। ओके सो इसको कैलकुलेट करिए फटाफट से, इसको कैलकुलेट करिए फटाफट से क्या होगा। अच्छा यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, मैं एक चीज़ जो है चेक कर लेता हूँ, जस्ट जस्ट वेट। लोअर कैलोरी वैल्यू वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अच्छा ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था आपका क्या एन सी वी का फॉर्मूला, ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा इंटू इधर 9 होगा, ठीक है। ओके चलो अभी हम लोग अगर करेंगे इसको तो 9305.294 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो यार, 580 इंटू 9 इंटू 8 7.6। ओके थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा सही कर रहा हो कि नहीं, तो ये मिलेगा 8887694 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ओके तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन सही है कि नहीं, एंड कैलकुलेशन में जो निकलेगा वही होगा आंसर। ओके ठीक है चलो, तो हम लोगों ने आज दो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट डे में हम लोग बात करेंगे डुलोंग्स फार्मूला, डुलोंग्स फार्मूला का हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे किस तरह से कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है, एंड लगभग हम लोग फ्यूल का जो पार्ट है वो कंप्लीट होने के इतदार पे है, सिर्फ हमें क्या अभी क्या डिस्कस करना है पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, पेट्रोलियम कैसे 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 बनाया जाता है, उसका जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव डिस्टिलेशन जिसको कहते हैं, वो हमारे सिलेबस में है, ऑक्टेन नंबर सिटेन नंबर, दिस आर द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। तो ये हम लोग आने वाले दो तीन क्लासेस में इसको कंप्लीट करेंगे, एंड फिर उसके बाद लुब्रिकेंट स्टार्ट करेंगे, तो लुब्रिकेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ दो क्लास काफ़ी है लुब्रिकेंट का, ठीक है, मतलब इस चैप्टर से और भी 5 क्लासेस आ सकता है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा 4 क्लासेस में कंप्लीट कराने के, लेकिन टॉपिक को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एंड टाइम अगर देते हैं तो फिर अच्छी तरह से ही देंगे। ओके ऐसे हर बारी में अगर हम लोग कर लेते हैं तो टॉपिक छूट जाएगा, फिर हमें ही तकलीफ होगा, ओके हमारे ही जो मार्क्स है वो कम आ जाएगा, हम लोग आंसर ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, अगर क्लासेस को अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक कीजिए करें, अगर क्लासेस में कहीं कमी या फिर कोई सजेशन है आप लोगों का तो फिर डेफिनेटली मेरे को व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रहा है ये क्लासेस में, और किस तरह से क्लासेस कराने से आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, तो वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके ठीक है चलो, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई बराबर करते रहना, एंड अपना तबीयत का भी ख्याल रखना, चलो जय हिंद जय भारत, ओके थैंक यू।